नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, आज जो शिक्षा जगत की सबसे बड़ी विषय पर जो चर्चा होती है वो अनुभवी लोगों से होती है, और हम तमाम अभिभावक छात्रों को कहना चाहते हैं कि हमारे यह 10 मिनट का कार्यक्रम जरूर देखें, हो सकता है इससे आपकी जिंदगी बदल जाए। हमारे साथ जैसा सेंट मैरी स्कूल की प्रचार निर्देशिका है हमारे साथ डॉक्टर मधुरमा सिन्हा, आपका स्वागत है। आप एक आयकन हैं दरभंगा में, जिन्होंने शिक्षा को एक नई दिशा दिया है। एक महिला होने के नाते आपने अपनी जिम्मेवारियों को जिस तरह प्रारंभिक, एक जेसस मेरी जब प्रारंभ हुआ था जिस समय मात्र कुछ बच्चे थे, उस समय आपके आंखों में जो सपना था वो सपना आज पूरा हुआ। तो एक जानना चाहेंगे कि आप किस तरह आपने इसको प्रारंभ किया जेसस मेरी को, ताकि हमारे सारे लोग देख सकें। जेसस मेरी प्रारंभ हुआ एक सपना या ख्वाब के तहत। मेरे फादर एक बहुत ही नामी चिकित्सक थे, मेरी माँ भी, उन्होंने मिथिला की बहुत सेवा की, और उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस कराया कि आप मिथिला की बेटी हैं तो आपको मिथिला के लिए करना होगा, ये आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि मेरा जन्म भी दरभंगे में ही हुआ है। हम बहुत खुशनसीब थे कि मेरे हस्बैंड ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आज उनकी ही हिम्मत अफजाई है कि हम आज यहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक मेरे बच्चों का सवाल है, सभी हाईली एजुकेटेड है, और ख़ासकर मेरी बेटी, मेरा बेटा, बेटा तो अभी जितना काम वो जानता है, भले भले लोग वो काम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही इस माहौल में रहा और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो बेस्ट पॉसिबल सीख सके। तो मैम, कभी आपको लगा कि जिस स्कूल की आप स्थापना कर रहे हैं वो कभी इतने बड़े मुकाम पर पहुंचेगा, और इस समय आपको और भी ज़्यादा, एक महिला होने के नाते कई परिस्थितियों, कई दौर से गुजरना पड़ा होगा, जहां आपको कभी मानसिक तनाव हुआ होगा, कभी आपको लग रहा होगा कि हम क्यों इसमें आ गए, एक महिला होने के नाते, कभी ऐसा अनुभव? नहीं, कभी नहीं। एक स्वादिष्ट भोजन के तरह ही मेरे लिए मेरा काम है। परेशानी अगर होती है किसी काम में तो वो काम का हिस्सा है, अगर परेशानी नहीं तो काम क्या, और आप सीखते क्या है विदाउट परेशानी? आपको तो परेशान होना है, आपको अपना काम सीखना है, और आपको बेस्ट पॉसिबल समाज के लिए करना है, बिकॉज अ जेंटलमैन इज दैट हु गिव्स मोर टू द सोसाइटी देन व्हाट ही गेट्स। इसलिए परेशानी की तो कोई बात नहीं, बहुत परेशानियां आई, वो अपने काम पर आई, अपने समय पर आई, चली गई, हम अपना काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। वो परेशानियां हेल्थ वाइज भी थी, पॉलिटिकल भी थी, बहुत चीजें थी, लेकिन थी तो थी। कहा जाता है कि कब कोई स्कूल आगे बढ़ता है, और खासकर कोई महिला ऐसी हो तो उसको दबाने का प्रयास, वैसे तो सबको दबाने का प्रयास किया जाता है, आपको भी दबाने का प्रयास किया गया होगा, आपको भी गुमराह करने का प्रयास किया गया होगा, कई तरह के दौर गुजरे होंगे उस समय। देखिए, गुमराह वही होता है जो इन बातों को सुनता है, जो इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता है वो गुमराह कभी नहीं होता। अर्जुन के का कंसंट्रेशन मछली के आंख पर था, हमारा कंसंट्रेशन हमारे स्कूल पर है। हम किसी की बात नहीं सुनते, जो सही है ईश्वर को प्रणाम करते हैं और भले लोगों के साथ रहते हैं। हमारे टीचर्स बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड के हैं और उन लोगों के संस्कार अलग हैं। हम लोग मिलके किसी छोटे से छोटे एकेडमिक टॉपिक पर बहस करते हैं, जानते हैं सही क्या है, छोटी छोटी बातें, तो उससे हम आज भी सीखते हैं और अपने बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल है उसे सिखाने की कोशिश करते हैं। मैम, आपको एक चीज तो लगा होगा कि आप जब प्रारंभ किए तो हमें लगता है कि दरभंगा में पहला कोई महिला ऐसी थी जिन्होंने एक शिक्षा क्षेत्र में अपना कदम उठाया, उसको देखकर कितने फॉलोअर हो गए, कितने स्कूल ऐसे हैं जिनकी महिला निर्देशिका हैं, प्राचार्या हैं भी। एक सवाल तो सिर्फ ये होता है कि आपने एक आदर्श स्थापित किया, आपको फॉलो करते हैं ऐसे कई लोग, जो मधुरमा सिन्हा जी ने अपने स्कूल को अपनी सिर्फ अपनी मेहनत के बदौलत आज इस मुकाम पर ला दिया जहाँ हजारों फॉलोअर्स आपके हैं, और वो देखना चाहते हैं कि आखिर करती क्या है, कैसे करती हैं कि आज ये इतना सफल हो गई, हमें भी करना चाहिए, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले परिवार को बांध के रखिए, समाज को इज्जत दीजिए, परिवार को इज्जत दीजिए, पति को इज्जत दीजिए, पारिवारिक जिम्मेवारी निभाइए, लेकिन सबका समय है,
उस वक्त वो काम कीजिए, जब स्कूल आते हैं काम के वक्त तो घर को भूलिए, स्कूल का काम कीजिए, जब यहाँ से जाते हैं तो परिवार का काम कीजिए जो आपकी जिम्मेवारी है, और सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। 24 घंटे का समय कम नहीं होता। मैम आपको लगता होगा कि जो अभिभावक आप बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ अपने बच्चों को आपके यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि कैरियर आप ही का निर्भर करता है, तो आपने छोटी छोटी बातों का जिक्र किया जैसे स्कूल में किताबों का चयन, वर्ग संचालन में शिक्षकों का चयन, अटेंडेंस को लेकर के कभी बच्चे समय पर स्कूल में आप प्रवेश करें, डिसिप्लिन के साथ, इन सब बातों को आपने कैसे इसको किया? देखिए ये तो एक सिस्टम है, अगर ये ही नहीं हम बनाएंगे, अगर हम डिसिप्लिन ही नहीं रखेंगे, पंक्चुअलिटी नहीं रखेंगे, चाहे वो मेरे टीचर्स की हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे मेरे बच्चों की हो, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी नहीं। क्योंकि एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, और जहां डिसिप्लिन होता है वहां नॉलेज होता है। नॉलेज तब होता है जब टीचर्स में बच्चों को बांध के रखने की शक्ति हो, जब बच्चे हल्ला ना करें। बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो हल्ला करेंगे, लेकिन आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप उन्हें बांध के रखें। तो टीचर्स का चयन भी मेरे यहाँ बहुत मुश्किल से होता है। पहले वो क्लास डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, फिर रिटन टेस्ट देते हैं, फिर दो दो इंटरव्यू फेस करते हैं, फिर एक महीने हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनका बोलना चालना, बच्चों के साथ शेयरिंग, क्लास कंट्रोल, उसके बाद हम फाइनल करते हैं। तो वो एक मतलब जिसको कहते हैं दूध के ऊपर की मलाई, वो छन के आ जाती है हाथ में, और मलाई से तो सभी खाना अच्छा बनता है। अच्छा मैम एक सवाल, अभी 8-9 महीना पूरा लॉकडाउन रहा, बच्चे घर में रहे, आप तो अनुभवी हैं काफी, आप बच्चों को देखते ही समझ जाते हैं कि बच्चों में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। कई स्कूल मैनेजमेंट से हमने इंटरव्यू का कहना कि बच्चों में बदलाव आया है, बच्चों कुछ इनडिसिप्लिन हो गए, कुछ बच्चे आलसी हो गए हैं, कुछ बच्चों में जो एक्टिविटीज थी वो बंद हो गई। आपने क्या अनुभव किया? देखिए थोड़ी बहुत तो कमी आई है, लेकिन फैमिली अगर अपना रूटीन मेंटेन करे, कोई फैमिली कि इस वक्त तुमको क्लास करना है, जो ज्यादातर पेरेंट्स यहाँ पर करते हैं, और बच्चे जब बेवजह बोलते हैं तो उनको संस्कार देना होता है कि माँ से ऐसी बात मत करो, फादर से ऐसी बात मत करो। बच्चे होने का ये मतलब नहीं है किसी को प्यार करने का कि आप उसको बर्बाद कर दें। बच्चे होने का, बच्चे की जिम्मेवारी का ये मतलब है कि आप उसको आगे की जिंदगी के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार करें कि आपके बाद भी लोग उनको इज्जत करें। मैम एक बात हमको खलती है, बहुत स्कूलों के अभी हम देखते हैं, बहुत यहाँ जो कोचिंग संस्थान खुले हैं उनसे भी देखते हैं, कई कोचिंग संस्थान स्कूल से कॉन्टैक्ट कर लेता है कि आप अपने बच्चे का नामांकन करवा लीजिए और अटेंडेंस छोड़ दीजिए, अटेंडेंस बना दीजिए और वो हम हमारे कोचिंग भेजिए, हम बहुत हाईली एजुकेटेड टीचर से हम वहाँ ट्यूशन देंगे, बच्चों का इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करेंगे। ऐसे में कई हमें ये दुख होता है कि स्कूल मैनेजमेंट कई ऐसे हैं जो ऐसे कोचिंग संस्थान से हाथ मिलाते हैं और अभिभावक परेशान होते हैं, दो दो जगह उन्हें पैसा पे करें, ये समझ में नहीं आ रहा अभिभावकों को। पहले तो अभिभावक अगर बेवकूफ बनना चाहें तो बने, इसमें तो कोई नहीं कुछ कर सकता, उनके पास बहुत पैसा है वो बेवकूफ बने। स्कूल में आपने पैसा दिया है, स्कूल में आपके बच्चे आ रहे हैं, आपके स्कूल सही स्कूल का चयन करे, आप बच्चों को उसमें दे, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि जब तक वो 11-12 का कोर्स समझ नहीं जाएगा वो क्या खाक कम्पीट करेगा? ये तो पैसा फेंकना हुआ और बच्चे का समय बर्बाद करना हुआ। जहां तक कोचिंग संस्थानों का सवाल है, मेरे स्कूल में हम कभी ये टाई नहीं होने देते, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल आने जरूरी है। अगर वो कोचिंग ही करेंगे तो स्कूल कब आएंगे? हमारे बच्चे, हम पैसा अगर लेते हैं, ट्यूशन फी अगर गार्जियन से लेते हैं, तो मेरी ये ड्यूटी है कि हम क्लास चलाएं। कई बच्चे हल्ला कर देते हैं, कई गार्जियंस हल्ला कर देते हैं कि क्लास नहीं होता है, हमारे यहाँ क्लास लॉग रजिस्टर मेंटेन होता है, और उसको रोज साइन करते हैं वाइस प्रिंसिपल और हम रोज देखते हैं। तो इसलिए ये सवाल नहीं, ये बड़ी बात है, और ये हम तमाम अभिभावकों के भी सवालों का हम जवाब देना चाह रहे हैं कि आप अगर पैसा देते हैं तो अच्छे स्कूल का ऐसा चयन कीजिए जहाँ पूरा आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ही नहीं खर्च ही आपका बचेगा, और एक जो लग जाता है कि उस समय रिजल्ट को लेकर के दोनों अपने अपने दावे ठोकते हैं। मैम एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो गार्जियन 9 महीना में काफ़ी परेशान है, कई स्कूल में आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी परेशान होंगे, टीचर्स का, फोर्थ ग्रेड स्टाफ का, फिर टीचिंग टीचिंग स्टाफ का सैलरी मेंटेनेंस, ये सब, तो अभिभावकों को किस तरह की राहत मिली है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से मैक्सिमम जितना हो सकता है मैंने राहत दी है,
क्योंकि ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है और इसमें ऑडिट बहुत माने रखता है, और एफिलिएशन में अगर ऑडिट में गड़बड़ी हो तो एफिलिएशन तक कैंसिल होने का डर रहता है। तो मैंने इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत राहत दी है, कोशिश की है मैक्सिमम राहत देने की, क्योंकि पैसा जिंदगी में हर चीज नहीं है, लेकिन पैसे का भी अपना रोल है। जैसे टीचर्स, वो हमारे फैमिली के हो गए और ये मेरी ड्यूटी बनती है एज ए गार्जियन कि वो कंफर्टेबल रहे। हम कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि इसमें फिर हम अपने हस्बैंड को सलाम करेंगे कि उन्होंने अपना पैसा मेरे स्कूल के अकाउंट में दिया कि मैं टीचर्स को लॉकडाउन पीरियड में सैलरी दे सकूं। तो ये तो काफी अहम बात भी है, और इसकी अपेक्षा भी वो शिक्षक करेंगे जो लगातार आपके साथ सालों साल अपने महत्वपूर्ण समय, अपना परिवार का समय वो आपके संस्था को दी। मैम, एक चीज और भी अहम चीज, एक चीज और बोलना चाहेंगे मनोज जी, ये मेरी संस्था नहीं है, ये संस्था मेरे उन तमाम लोगों की है, छोटे से बड़े जो यहाँ काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी ही नहीं है, उनका ये उनकी ये सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। मैम, एक अंतिम सवाल ये भी है कि जैसे एक सिलेबस को लेकर के है कि एक साल तो नहीं हुआ, तो अब क्योंकि एक साल गैप हो जाने के बाद बच्चे के आधार कमजोर हो जाएंगे, वो सबसे कमजोर हो जाएंगे, कई स्कूलों ने कहा है कि हम इसको आप किस तरह करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ रेगुलर चल रहा था क्लासेस, रेगुलर फ्रॉम 8th April टिल डेट, मतलब चल रहा था। जब स्कूल खुलने की बात आई, बहुत गार्जियंस ने भेजा, बहुत ने नहीं भेजा, क्योंकि 99.9% सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है। हमारा एक सिस्टम होता है, सिलेबस हम खुद बनाते, क्वेश्चन पेपर्स हम खुद मॉडरेट करते हैं, हम और मेरे बेटे मिलके, और सिलेबस में ऐसा रहता है कि आपको किसी भी हालत में नवंबर तक सिलेबस खत्म कर देना है। सिलेबस का ऐसा ग्राफ्टिंग रहता है, हम लोग क्राफ्टिंग कर देते हैं ऐसा कि वो नवंबर तक खत्म हो जाए, उतने पीरियड्स रहते हैं, उतने ये रहते हैं, उतनी कॉपी चेकिंग होती है, उसको हम लोग खत्म कर देते हैं। उसके बाद रिविजन का दौर शुरू होता है, तो रिविजन दो बार हो चुका है, अब जैसे बच्चे आ रहे हैं, हम लोग फिर उसको सामने सामने रूबरू देख के करवा रहे हैं। लेकिन सब तो शेर खान बन गए, सभी जानते हैं कि क्या सिलेबस है, सब पढ़े हुए हैं। अब माँ बाप के पास थोड़ी बदमाशी चलती है, मैडम के पास तो नहीं चलती ना। मैडम, एक अंतिम सवाल ये है, आप कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको अब लीड करना चाहिए, बहुत से नए स्कूल खुल गए हैं जो अपने तरीके से एक मैसेज दे देते हैं अभिभावकों के बीच, छात्रों के बीच, इस जनता के बीच, जबकि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परंपरा को, अपने अस्तित्व को खासकर अभिभावकों के लिए बना के रखा है और विश्वास के लिए। क्या लीड करते हुए ऐसे स्कूलों को, आप लोगों की मैनेजमेंट, आप लोगों की अपनी एक कमेटी भी है, क्या ऐसे लीड करते हुए क्या आप ऐसे स्कूलों को क्या कहना चाहेंगे जिनके कंधों पर आप ही की तरह जिम्मेवारी है, वहां भी अगर 100 बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनका भी कैरियर उतना ही इम्पोर्टेंट है जो आपके यहाँ 500 बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, स्कूल को अगर आप धंधा समझ लेंगे तो आप वही करेंगे जिससे आप पैसा कमाते हैं, लेकिन स्कूल को यदि आप मिशन समझेंगे, अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, तो आप जरूर बेहतर काम कर सकेंगे। एक छोटी सी बात है कि ब्लू प्रिंट लाइज विद गॉड। गॉड ने आपको यही काम क्यों दिया एक स्कूल चलाने का, क्यों नहीं एक झाड़ू वाला बनाया, क्यों नहीं एक IAS बनाया, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि ये आपकी मृत्यु लोक में ये जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी जब आप निभाते हैं तो जब भी मरेंगे तो भगवान से आंख मिला के बात करेंगे कि आपने जो जिम्मेवारी दिया हमने ईमानदारी से निभाया है सर, ये बहुत जरूरी चीज है। तो आप लगातार सुन रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, क्योंकि आपको भी ये समझना चाहिए कि आप फॉलो किसे करते हैं, उसे जिसके संस्था से हजारों बच्चे आज देश विदेश में अन्य जगहों पर अपना कैरियर बना चुके हैं, और ये हर बच्चे को अपने बेटे के समान मानते हुए कभी डांटना, कभी उन्हें फुसलाना, कभी प्यार करना, ऐसे ही एक मैनेजमेंट का सक्षम कार्य होता है जिससे स्कूल न सिर्फ आगे बढ़ता है बल्कि लाखों अभिभावकों का विश्वास भी होता है। तो धन्यवाद मैम, मिथिला मंच न्यूज के साथ आप काम करने। मैं आपके मिथिला मंच न्यूज को, अपने अभिभावकों को धन्यवाद देती हूँ और अपने बच्चों को भी बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि वो जो सपना देख रहे हैं और जो अभिभावक उनका उनके सपना देख रहे हैं, उन सपनों को वो साकार कर सके, बस यही काम है। तो धन्यवाद,
लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं बिहार से लेकर के दरभंगा तक की, पटना की अपडेट खबर आप तक दिखाते हैं बिहार मिथिला न्यूज पर। धन्यवाद मैम।